ऊपर छत पे बंदे आ जाते हैं और फिर टपका देते हैं भाई, गलत सीन हो जाते हैं। और अभी हमको लग रहा था कि बाहर से सभी बंदे चले गए हैं, लेकिन वही हुआ जो हमको डर था। बंदा ऊपर एक है, हमारे टीममेट को नॉक कर दिया भाई, मेरे को भी कर दिया। मेरे को लग रहा था मैं उसको दिख नहीं रहा हूँगा, लेकिन यहाँ से भाई बिल्कुल हेड ही हेड पे गोली पड़ी होंगी मेरे से, मेरे को ऊपर से, क्योंकि ऊपर से भाई बिल्कुल एक नंबर का व्यू बनता भाई। नीचे ऐसे कोने में दिखता ना बंदा, सिर्फ बिल्कुल सिर ही सिर में गोली लगती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई के पास अभी एक चांस है जीने का, एक चांस है। अभी यहाँ पर नहीं आएंगे भी और कहीं उतरेंगे, क्योंकि हमको करना है चिकन डिनर। तो अभी मैं यहाँ पर छोटे मोटे घरों में उतरा था और अपने को एक डीपी मिल गई। और शिकारियल तो पबजी वाले अपना देके ही भेजते हैं, तो यहाँ पर भाई साहब ड्रॉप लूट लेते हैं। और हमको MG3 मिल चुकी है, तो मतलब तबाही होगी। अब तो पहले ही हम किसी से कम नहीं, और अब तो MG3, अब तो मतलब बिल्कुल जीना हराम कर दूंगा मैं लोगों का। अब हम आए थे ये वाले घरों में, यहाँ पर भाई साहब फायरिंग हो रही थी और हमारा टीममेट बोल रहा था यहाँ पर बंदा है, लेकिन हमने दोनों घरों में देख लिया था, कोई बंदा नहीं मिला। तो हम यहाँ से जाने लगे और जैसे ही हम यहाँ से चले, भाई साहब गोलियाँ ही गोलियाँ हमारे ऊपर। यहाँ पर 3-4 बंदे कैंप करके लेटे हुए थे, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हम वहाँ से निकल गए, नहीं तो हमको अकेला दिखती बिल्कुल नॉक फिनिश, बिल्कुल चबा जाते भाई साहब, सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सीधा आ गए हम, यहाँ पर बंदे हैं अभी। और ये वाले बंदे भाई साहब, इनको लगा कि ऐसे ही आए हैं, आए हैं मर जाएंगे, आते इन्होंने भाई बिल्कुल ओपन में ग्रस कर दिया हमारे ऊपर। अभी एक बंदा था ये, इसको नॉक कर दिया मैंने, फिनिश भी कर दिया। अब बचा इनका एक बंदा, हमारा दो नंबर गया, कोई बात नहीं, नॉक हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक नंबर जाके फिनिश कर देगा, और एक नंबर को भी वैसे उसने नॉक कर दिया था, लेकिन भाई बिल्कुल ही एक HP बचा था वो मेरी, तो बस मेरे को तो पता भी नहीं कब गोली कनेक्ट हुई, लेकिन यहाँ पर बच गए हम फाइनली। तो वहाँ पर तो और ज़्यादा बंदे नहीं आए, तो वहाँ से गाड़ी लेके हम निकल गए। और तभी यहाँ पर दिखता हमको हरात हुआ एकदम से, और हम यहाँ पर अपनी गाड़ी के डिस्क ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पर 3-4 बंदे थे, एक दिखता है अंदर, इसको मैंने कर दिया नॉक। मेरे को लगा था हमारे टीममेट कर देंगे नॉक, लेकिन जब देखता हूँ तो भाई साहब ये नॉक पड़े हैं। भाई साहब ये मतलब मैं पता नहीं क्या क्या था, ये बंदा यहाँ पर खड़ा होकर बाहर गोलियाँ चला रहा था, अंदर एक बंदा और था जिसको मैंने अभी लास्ट में फिनिश किया, और मेरे को लगा हमारा टीममेट है। और मैंने तो भाई गन भी पीछे कर ली थी, लेकिन भाई वो तो अभी किस्मत अच्छी थी अपनी कि मैंने जल्दी से गन उठाई और उसको फिनिश कर दिया, क्योंकि वो डैमेज होगा पहले से ही। अभी हमारे दो टीममेट तो फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ी की तरफ भी बंदे थे, उन्होंने भाई कर दिया काम। अब ये 4 नंबर बचा है, और ये 4 नंबर है रैंडम, वो दो थे हमारे टीममेट। और ये भाई साहब मतलब क्या बोट प्लेयर है ना, मतलब क्या बताऊँ, इसकी हरकतें देखना, पहली बार रिवाइव करना है इसको, गन गिनना एक बार कितनी बार रिवाइव करूँगा इसको मैं। तो अभी यहाँ पर मैं तो अंदर लूट करके ऊपर देख रहा था बंदों को, लेकिन 4 नंबर को भाई कोई डर ही नहीं है, बाहर जाके सीधा ऊपर में पेटियाँ लूट रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। अब इसको मैंने रिवाइव कर दिया है, मैंने सोचा भी थोड़ा देखूंगा बंदों को, तभी देखो भाई मतलब इस भाई के पास कार 98 है, 6X है, सामने बंदे देखो बिल्कुल सामने से बिल्कुल पिक करके खड़े हैं, और इससे कोई नोक नहीं हो रहा, बल्कि यही नोक हो रहा है बार बार। लेकिन भाई इसमें गलती इसकी नहीं है भाई, बिल्कुल भी गलती नहीं है इसकी, क्योंकि हमको हमेशा ऐसे ही टीममेट मिलते हैं जो साले मतलब बिल्कुल झंडू होते हैं भाई, कभी कोई प्रो मिलता ही नहीं है। पहले ज़माना था जब हम नूब हुआ करते, जब हमको प्रो मिलते थे, अब हमको थोड़ा अच्छा खेलना आ गया है, अभी हमको नूब मिलते हैं, ये पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे भी कुछ तो कर ही रहा है, कम से कम नॉक ही हो रहा है। चलो अभी सामने पेड़ के पीछे एक बंदा है, हमारे 4 नंबर से तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने सोचा मैं ही टैप करके हेड दे दूँ उसको। तो मैंने 4 नंबर को बोला भाई मैंने उसका हेलमेट डैमेज कर दिया है, अगर उसके पास 3 का हेलमेट भी होगा तब भी अभी तेरी कार्नेट की से वो नॉक हो जाएगा। लेकिन ये देखो भाई मतलब मोर की तरह, एक बार उधर देख रहा है, एक बार उधर देख रहा, मार किसी को नहीं रहा साले, मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भाई, चलाने नहीं आते, मेरे को दे दे भाई, ना मेरे को दे रहा है यहाँ पर भाई साहब। लेकिन इस बंदे ने स्मोक वगैरह कर लिए हैं, और सामने वाले बंदों को नोब मत समझना भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहे थे वो बंदे, क्योंकि बाहर हम जैसे ही पिक करते थे भाई गलत मार रहे हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है ना, तो जोन हमारे ऊपर है और वो है ऊपर में, तो भाई साहब अब तो मरेंगे ही वो, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है मरने के अलावा। और वैसे भी ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, साथ में आते तो थोड़ा कुछ फर्क पड़ता। और ये बंदा निकलता है पेड़ के पीछे से भाई, ये देखो मतलब बोल रहा था ना मैं प्रो प्लेयर भाई, मतलब 1 HP बचाऊँ मैं, अगर यहाँ पे मैं नॉक हो जाता ना तो फिर मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी हमारे बचने, क्योंकि वो सीधा रश कर देते, और ये 4 नंबर तो भाई फिर कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन अगला जोन भी अभी हमारे ऊपर ही बनने वाला, फिर देखो इनको कैसे रे लेंगे। तो अभी फाइनली आ चुका है टाइम इनके मरने का, क्योंकि जोन हमारे ऊपर है। और ये वाला बंदा भाई साहब जब से सामने घास में लेटा हुआ था चिपके,
और जैसे ही जोन आया वो निकला और ये भी निकला, लेकिन यहाँ पे हमने इनको फिनिश कर दिया भाई। चिकन डिनर हो गया फाइनली अपना, एक बंदा था वो पहले ही इन्होंने फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा और करते हैं ये वाली वीडियो को यहीं पे खत्म। बाय, लव यू ऑल जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी वीडियो पे यहाँ तक आए हैं कमेंट भी कर देना। बाय, मिलते हैं जल्दी कल।